स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के कैबिनेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन है, उसको प्रपोज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस रेजोल्यूशन को कम्युनिकेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ भी। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप देखिए कि यहाँ पे कैबिनेट के बारे में मेंशन किया गया है। और जब भी हम कैबिनेट वर्ड के बारे में रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए, क्या हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा 26 नवंबर 1949 के समय अडोप्ट किया गया था, क्या उसके अंदर आपको जो कैबिनेट वर्ड है उसका मेंशन देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कैबिनेट वर्ड है वो नहीं हुआ करता था। आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में आप देखिए कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू आर्टिकल 352 के अंदर जो कैबिनेट वर्ड है उसको ऐड किया गया था। क्योंकि आप देखिए कि जब इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, जो इंटरनल इमरजेंसी है उसको लगाया गया था, तो कैबिनेट के विदाउट कंसल्टेशन के बेसिस पे ही पहले प्रपोज कर दिया गया था प्रेसिडेंट को कि कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन है वो लिया गया है। और आप देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट के साथ में जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिस्कशन है वो आपको इमरजेंसी के इम्पोज के लेटर फॉर्म के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से आप देखिए कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर द इमरजेंसी के बाद में जो एग्जिस्टेंस के अंदर आता है उसके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए जो अर्लियर फेज के अंदर जो मिस्टेक्स हुआ करती थी या जो एरर्स हैं उनको रिमूव किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। कौन से ईयर के अंदर में आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? आप देखिए कि इन टू जो डिजिट्स हैं 4+4 को आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 1978 का वो समय है। इसके अलावा आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आप काफ़ी बार रीड करते हो, 4+2 को आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 1976 का जो ईयर है उस समय आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू काफ़ी कुछ चेंज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और उसका जो मिस्टेक्स हैं, जो यहाँ पे मिस्टेक्स कमिट हुआ उनको रिमूव किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में आफ्टर द इमरजेंसी के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये कैबिनेट वर्ड है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया आपसे। आप देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में या आपके जो टेस्ट सीरीज आप लगाते हो उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट के अंदर कैबिनेट वर्ड मेंशन है या नहीं है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या स्टूडेंट, जो कैबिनेट है वो यहाँ पे एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आप देखिए कि कैबिनेट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं या कैबिनेट रैंक के इक्वल जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये बॉडी हुआ करता है। बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आपको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स भी उसके पार्ट हुआ करते हैं। जो हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए आपसे इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। अभी आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट समय में क्या है स्टूडेंट्स? यूनियन टेरेटरी है। अर्लियर फेज के अंदर स्टेट हुआ करता था, कुछ स्पेशल पावर्स भी हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर को, जो आर्टिकल आपको 35A के अंदर में, आर्टिकल 370 के अंदर उनके बारे में मेंशन था। लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसका बाइफर्केशन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को टू डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज के अंदर डिवाइड किया गया। अब आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसका प्रेजेंस है, लद्दाख के जो पीपल्स हैं उनका भी डिमांड है कि उनका स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए और उनको 6th शेड्यूल के अंदर भी ऐड किया जाए। तो स्टूडेंट, 6th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं एक बार उनको फिर से रिवाइज करते हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये चार स्टेट्स हैं हमारे जो यहाँ पर आपको शेड्यूल 6 के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। लद्दाख का भी डिमांड है उनको ऐड किया जाए। लद्दाख के वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को और बेटर करने के रिगार्डिंग में कुछ नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी प्रपोज किया गया था वहाँ पे। अब इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी है, किसी भी यूनियन टेरिटरी को या किसी भी स्टेट को यूटी बनाने का जो पावर है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है।
कहाँ पे ये जो पावर है उसके बारे में मेंशन है? आर्टिकल 4 के अंदर प्रोसीजर के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 3 के अंदर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में है। आर्टिकल 2 के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? एडिशन, किसी अदर पार्ट को अगर ऐड करना हो इंडिया के अंदर में तो एडिशन के बारे में जो आपको आर्टिकल 2 के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे प्रेजेंस है, तो हमारे कंट्री के अंदर में कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको बेसिकली अब यहाँ पे ये भी जानकारी होना चाहिए। तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट समय के अंदर एक तो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, एक आप देखिए कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेजेंस है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो पुडुचेरी है, इसके अलावा आपको जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी आप देखिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। मेन जो पुडुचेरी का एरिया है और पुडुचेरी का ही एक पार्ट है कराईकल, इनका प्रेजेंस आपको तमिलनाडु का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु का पार्ट है, तो इसी के अंदर में आपको कराईकल और पुडुचेरी का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। माहे और यनम है वो अदर पार्ट के अंदर में है, एक पार्ट आप देखिए कि केरल के यहाँ पे सिचुएटेड है, एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पे है, तो आपको ये जो लोकेशंस है वो भी पता होनी चाहिए, माहे कहाँ पे है, यनम कहाँ पे है, जो बेसिकली उनका जो लोकेशन है जो कि पुडुचेरी का ही पार्ट है। पुडुचेरी के वहाँ पे आप देखिए कि फ्रेंच आर्किटेक्चर या फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच का जो यहाँ पे जो फ्रेंच पावर इंडिया के अंदर जब आते हैं तो उनके द्वारा आप देखिए कि पुडुचेरी के अंदर में या जो चंद्रनगर का एरिया है वहीं पे उनका रूल है वो कुछ हुआ करता था। तो बाकी तो उनको आप देखिए कि 1760 के समय में बैटल ऑफ वांडीवोस है, उस समय 1760 के समय में उनको इंडिया से बाहर है वो कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उनके फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के लिए आता है तो आप देखिए उनके एक डुप्लेक्स नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, पर फ्रेंच का जो कंपनी है वो बेसिकली PSU की तरह हुआ करता था, जैसे गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती हैं कि वहाँ पे कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो पहले वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटीज से क्लियरेंस आपको चाहिएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं था, एक पब्लिक सेक्टर का कंपनी था, इसी वजह से आपको उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसका जो उसके अंदर डिले देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कि उसी वजह से उनका जो मोर एक्सपर्टीनेस है जो यहाँ पे बैटल्स के अंदर में एरिया उनके द्वारा नहीं कैप्चर किया गया। नेक्स्ट आप देखिए तो बैटल ऑफ वांडीवोस, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, आप इसको रीड करोगे तो पुडुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब आपको एक और जानकारी यहाँ पे ये होना चाहिए, आप देखिए कि हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है, आर्टिकल 240 के थ्रू प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर है कि पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस, थ्री वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, पीस है, प्रोग्रेस है, पीस होगा तो प्रोग्रेस होगा किसी भी एरिया के अंदर में, और गुड गवर्नेंस है उसको कैरी आउट करना है, ये प्रेसिडेंट के पास में पावर है। कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में लॉ बनाने का पावर है, लॉ मेकिंग का जो पावर है वो दिया गया है प्रेसिडेंट को पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के परस्पेक्टिव से। ये आर्टिकल 240 के अंदर मेंशन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क है। क्या जो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसको भी यहाँ पे पावर दिया गया है कि उसके रिगार्डिंग में भी प्रेसिडेंट के द्वारा पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में लॉ मेकिंग का जो पावर है वो दिया गया है, ये आपको रीड करना है। नहीं पता है तो अपना पॉलिटी के बुक से जाके इसको रीड कीजिए। 240 के बारे में मेंशन किया गया है तो 340 भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 340 जो काफ़ी बार जस्टिस रोहिणी कमीशन इस वजह से न्यूज़ के अंदर हुआ करता है, वो भी बेसिकली प्रेसिडेंट को ही वहाँ पे पावर है कि प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पे कुछ कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, हमारे जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जामिन करने के रिगार्डिंग में आर्टिकल 340। बट आप देखिए कि आपको यहाँ पे होमवर्क तो यही है 240 के अंदर कौन कौन से एरिया हैं वो बताने हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, यहाँ पे भी जम्मू एंड कश्मीर का ही जो लेक एरिया है, डल लेक का एरिया है, उसको शो किया गया है। उससे पहले अदर न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, उसको US के द्वारा चार्ज किया गया, पर आप देखिए कि वन काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस है हमारे जो जर्नलिज्म सेक्टर का कि उस पर्सन जो विकास यादव नाम का जो पर्सन है
उनकी जो इमेज है उसको शो किया गया है फ्रंट पेज के ऊपर में। फ्रंट पेज ही आप देखिए कि शो ही नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो सीक्रेट सर्विस के जो पर्सन हैं, कोई भी सीक्रेट सर्विस के अंदर रिलेटेड जो पर्सन हैं, उनके द्वारा अगर कोई यहाँ पे एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया है, तो कंट्री को ही आप देखिए कि डिफेंड या कंट्री के ही पर्सपेक्टिव से कैरी आउट किया गया होगा। और आप देखिए कि जो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हुआ करते हैं या सीक्रेट सर्विस के अंदर जो पर्सन्स हुआ करते हैं, सीक्रेसी उनका मेन इंपॉर्टेंट पिलर हुआ करता है। कभी भी उनको लाइमलाइट है वो नहीं चाहिए, कभी उनका नेम है वो नहीं रिवील होना चाहिए। बट यहाँ पे जो यूएस का जो एजेंसी है उनके द्वारा इनको चार्ज किया गया है, इनके अगेंस्ट में जो चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं कि एक असैसिनेशन का जो अटैम्प्ट है वो किया गया था पन्नून नाम के जो पर्सन है, जिसको कि इंडिया के द्वारा जो टेररिस्ट जो डिक्लेयर है वो भी किया गया है। तो आप देखिए कि जो पन्नू नाम के जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में इनके द्वारा असैसिनेशन का जो प्लॉट है उसको कैरी आउट किया गया, ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया। बट इंडियन जो जर्नलिज्म है उसका अनएथिकल प्रैक्टिस है वन काइंड। ऐसा ही आप देखिए कि 26/11 के समय भी देखने के लिए मिला था। 26/11 के दौरान में क्या हुआ था कि आप देखिए कि हमारे मुंबई के अंदर अटैक होता है 26 नवंबर। वैसे 26 नवंबर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाया जाता है उस दिन। और इसके अलावा 26 को ही हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। कमेंसमेंट आपको 26 जनवरी के समय देखने के लिए मिलेगा 1950 के समय, क्योंकि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है जो लाहौर सेशन के अंदर अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट, कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस को हमें अचीव करना है। 1930 का जो 26 जनवरी है उसको पूर्ण स्वराज डे के रूप से सेलिब्रेट किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। इसी वजह से 2 मंथ का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 26 नवंबर एंड 26 जनवरी। तो स्टूडेंट 2008 के समय जो 26/11 का जो समय है जब ताज के ऊपर अटैक किया गया, तो हमारा जर्नलिज्म के द्वारा क्या किया गया उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, कहाँ से डिप्लॉयमेंट है कहाँ से डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो आप देखिए कि उसका जो उनके जो यहाँ पे मास्टरमाइंड जो पर्सन्स हुआ करते थे उनके द्वारा टीवी चैनल्स के थ्रू ही उनको जो डायरेक्शंस वो दिए गए, इस एरिया से डिप्लॉयमेंट है, यहाँ से इस तरीके से डिप्लॉयमेंट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, मिनिस्ट्रीज का भी जो डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कुछ डिले वे के अंदर में आपको अपना जो टेलीकास्ट है उसको कैरी आउट करना है। डिले वे के अंदर किस तरीके से आप देखिए कि आपको 1 आवर का डिले या 15-20 मिनट्स का कुछ डिले है उसके अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना है। यहाँ पे भी बेसिकली वन काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि जो एजेंट है उनके उनके द्वारा कंट्री को ही डिफेंड किया जाता है। इसके अलावा इस तरीके से जो फोटो है वो नहीं शो करना चाहिए, वहाँ का जो स्टेट का एजेंसी है उनके द्वारा किया गया, बट इंडियन जर्नलिज्म का कुछ यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड को शो करना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा और जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस सामने आए हैं। जब भी हम गवर्नर के बारे में रीड करते हैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। आप देखिए कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा है, सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट है। ये जो प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, ये प्रोसेस हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा। बट ये सेंटर गवर्नमेंट का एजेंट नहीं हुआ करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है गवर्नर का, तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। अगर हम गवर्नर के बारे में डिस्कस करें, RN रवि सर हैं जो कि नागा पीस के इंटरलोक्यूटर हुआ करते थे। नागा पीस का जो NSCN IM नाम का जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में पीस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। हमारे डिप्टी NSA भी हुआ करते थे, बट तमिलनाडु के वहाँ पे जब गवर्नर पोस्टेड हैं तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं, टू मच डिफरेंसेज हैं। कभी बिल के यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिजर्व करने के पर्सपेक्टिव से, जो आर्टिकल 200 और 201 के अंदर मेंशन है गवर्नर के पर्सपेक्टिव से। क्या स्टूडेंट्स एक स्टेट का जो गवर्नर है, कोई आप देखिए कि एक पर्सन है टू स्टेट का गवर्नर हो सकता है, तो आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे याद होना चाहिए कि एक पर्सन को टू स्टेट का जो गवर्नर है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डल लेक के बारे में है। डल लेक के बारे में अब आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे है। जब भी हम रामसर साइट्स को डिस्कस करते हैं क्या यहाँ पे डल लेक भी रामसर साइट का पार्ट है, तो स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे 6 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सा, होकेरा है, होकेरा के अलावा सोलबोग है, सोलबोग के अलावा हेगम नाम का जो साइट है, होकेरा सोलगम हैगम है, सुरिनसार एंड मनसार है, वुलर है, सुरिनसार एंड मनसार है, वुलर है।
तो सॉरी स्टूडेंट्स, फाइव है वहाँ पे, फाइव आपको जो रामसर साइट्स वो देखने के लिए मिलेगा, सिक्स नहीं है। ये डल लेक है वो यहाँ पे रामसर साइट का जो पार्ट है वो नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में, मुगल एम्पायर के दौरान में आपको कुछ यहाँ पे जो शालीमार बाग है, निसात बाग है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा डल लेक के ही नियर बाई एरिया के अंदर में। जो कि बेसिकली आप देखिए कि हमारा जो मेडिवल का जो समय है उसके आर्किटेक्चर को ये शो करता है, जहांगीर के दौरान में वहाँ पे इनको बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिहार के, वहाँ पे आप देखें कि ये जो लिकर का जो ट्रेजेडी है वो सामने आया है। लिकर वहाँ पे बैन है कम्प्लीटली, और हमारे DPSP का आर्टिकल 47 आपको पता होना चाहिए। हमने कल आपसे होमवर्क दिया था आपको, बट आपने किसी ने इसका जो रिप्लाई है वो नहीं किया। आर्टिकल 47 क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 47 यहाँ पे बताता है कि हमें न्यूट्रिशनल लेवल, स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना है, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं उनको प्रोहिबिट करना है। गांधीयन प्रिंसिपल है कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं उनको आपको प्रोहिबिट करना है, और न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इंक्रीज करना है। बिहार के वहाँ पे आप देखिए कि लिकर का बैन है, बट इस तरीके का जो ट्रेजेडी है समय समय पे सामने आता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 47 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हैबियस कॉर्पस के बारे में है, आप देखिए ईसा फाउंडेशन के रिगार्डिंग में एक हैबियस कॉर्पस का जो यहाँ पे पेटिशन को फाइल किया गया पेरेंट्स के द्वारा कि उनका जो डॉटर्स हैं वो यहाँ पे उनका जो डिटेंशन है वो बेसिकली आप देखिए कि इलीगल डिटेंशन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हैबियस कॉर्पस बेसिकली क्या है, आप देखिए कि हैबियस कॉर्पस आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। एक रिट पेटिशन है आर्टिकल 32 के अंदर में। टाइप्स ऑफ रिट्स है वहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिट्स को मेंशन किया गया है। एक हैबियस कॉर्पस है, फिर मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्सियोररी है, क्यू वारंटो है। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको टाइप ऑफ रिट्स हैं वो आपको यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें हैबियस यहाँ पे कॉर्पस के बारे में, तो टू हैव द बॉडी ऑफ इस वर्ड का जो मीनिंग है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग यही है कि किसी भी पर्सन है अगर उसका जो डिटेंशन है, डिटेंशन के सामने कोई इलीगल डिटेंड किया गया हो तो उन डिटेंशन को एग्जामिन किया जाता है। कोई भी हमारा जो इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन का जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल पर्सन का जो लिबर्टी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिट है जो इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है आर्टिकल 32 के थ्रू। हैबियस कॉर्पस का सुप्रीम कोर्ट या आप देखिए कि हाई कोर्ट के थ्रू भी अप्रोच किया जा सकता है अगर किसी भी पर्सन को इलीगल वे के अंदर डिटेंड किया गया है। स्टूडेंट जब इस पेटिशन को फाइल किया गया तो आप देखिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो वुमेन हैं उनके द्वारा अपियर किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि वो वॉलेंट्री वे के अंदर में वहाँ पे प्रेजेंट हैं उस फाउंडेशन के अंदर में। पर आप देखिए किसी वजह से इस जो रिट पेटिशन है उसको कैंसिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लोज किया गया। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हैबियस कॉर्पस के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे केरल का जो इडुकी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है। इडुकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप देखिए कि इडुकी एक तो हाईलैंड का एरिया है केरल के वहाँ पे। इडुकी के बारे में वहाँ पे लोकस्ट का जो अटैक है, आप देखिए कि इसको हिंदी के अंदर टिड्डी के नाम से जाना करते हैं। टिड्डी का जो अटैक है वो आपको नॉर्मल डेज के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। वेस्ट राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, गंगानगर है, गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ है, उस एरिया के अंदर में आपको काफ़ी बार जो लोकस्ट या जो टिड्डी का जो अटैक है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि क्रॉप का जो डैमेज आपको देखने के लिए मिलता है, क्रॉप को डैमेज करती हैं काफ़ी हाई लेवल के अंदर, क्रॉप को डैमेज कर दिया जाता है। स्टूडेंट जब COVID-19 का जब समय था, COVID-19 के दौरान में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे, हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो है बेसिकली लोकस्ट का जो अटैक है, जो ग्रास ओपर्स हैं, जो टिड्डी हैं, उनका जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था। अभी इडुकी के वहाँ पे हुआ है, इडुकी के वहाँ पे एक तो आप देखिए कि जो रेनफॉल है वो डिक्लाइन हुआ, वो एक मेन रीजन है रेनफॉल के डिक्लाइन के अलावा। स्टूडेंट्स आपको इडुकी के वहाँ पे कुछ क्लाइमेट का क्राइसिस आपको देखने के लिए मिलता है। अभी आप देखिए कि हाईलैंड का एरिया है और भी काफ़ी कुछ इश्यूज है वहाँ पे, क्लाइमेट के एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स जो होने लगे हैं, तो उसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे इनका प्रेजेंस देखने के लिए मिला है फार्म के एरिया के अंदर में। वहाँ पे क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया गया है यहाँ पे लोकस्ट के द्वारा। COVID-19 के समय नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर उस समय जो साइक्लोनिक कंडीशन या इस तरीके का आप देखिए कि डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से इनका जो अटैक्स है वो इंक्रीज हुआ। अब आप अगर हम डिस्कस करें लोकस्ट के ही बारे में, तो मेनली इनका जो प्रेजेंस आपको आप देखिए कि एरिड जो एरिया है, सेमी एरिड का जो एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
इनके जो मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है वो आपको यमन है, यमन के अलावा अफ्रीका है, ओमान है, पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट है जिसमें जो बलूचिस्तान का रीजन है, सदर्न पार्ट ऑफ ईरान है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे इनका जो आपको जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। इनका जो ब्रीडिंग जो नंबर्स हैं वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज होते हैं, लोकस्ट के जो ब्रीडिंग नंबर्स हैं वो आपको काफ़ी हाई रेट के ऊपर में आपको इनका जो नंबर का इंक्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रॉप को ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किए। अब अगर हम इडुकी के बारे में डिस्कस करें, इडुकी एक तो हाईलैंड का एरिया है, लैंडस्लाइड का इश्यू वहाँ पे हुआ करता है। पर आप देखिए कि जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम जो नेशनल पार्क है जिसके अंदर किसका प्रेजेंस है, नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। बट इडुकी कहाँ पे सिचुएटेड है, केरल के वहाँ पे। इराविकुलम नेशनल पार्क जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर्स आपको नीलगिरी तहर के देखने के लिए मिलेंगे, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। तो ये इडुकी के बारे में था। आप देखिए कि ब्रिक्स का मीटिंग के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उनके द्वारा विजिट किया जा सकता है रसिया के वहाँ पे। ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि 2001 के समय 2001 के समय जो हमारा गोल्डमैन सैक्स नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली इकोनॉमी के सेक्टर के रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके एक बेसिकली इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जिम ओ नील नाम से वो पर्सन है। उनके द्वारा जो ब्रिक वर्ल्ड है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया था, जो ब्रिक्स वर्ल्ड है उनके द्वारा प्रपोज किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स को बताया गया उनके द्वारा। आप देखिए कि अफ्रीका के द्वारा 2010 के समय इसको ज्वाइन किया गया, 11 के समय फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था अफ्रीका के ज्वाइनिंग के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि जो ब्रिक्स है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप हुआ करता है। इसका एक बैंक भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। कौन सा बैंक स्टूडेंट्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आपको बैंक के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो दो बैंकों के बारे में पता होना चाहिए जो दोनों चाइना के अंदर सिचुएटेड हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो, उसका भी हेडक्वार्टर आपको चाइना के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना के अंदर में है। तो स्टूडेंट जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका तो हेडक्वार्टर आपको संघाई के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के वहाँ पे। यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टूडेंट्स, तो आपको याद कैसे रखना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ए के साथ में बी को कनेक्ट कीजिए, ए बी सी डी जिस तरीके से हम रीड करते हैं, तो ए के बाद में बी आता है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग के वहाँ पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपने रीड किया होगा काफ़ी बार, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फिलीपींस के अंदर है, मनीला नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पे बैंक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने रीड किया। अब आप देखिए कि लास्ट ईयर जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था तो वहाँ पे ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया, ब्रिक्स की मेंबरशिप को कुछ अदर कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया, जिसके अंदर एक तो इजिप्ट है। इजिप्ट इजिप्ट का आप देखिए कि आप क्या यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में है, इजिप्ट का जो जो यहाँ पे स्वेज कैनाल है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। साइनाई पेनिनसुला जो कि कनेक्ट करता है अफ्रीका से एशियन कॉन्टिनेंट को, तो आप देखिए कि स्वेज कैनाल न्यूज़ के अंदर में है, साइनाई पेनिनसुला के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजिप्ट के अलावा आप देखिए कि ईरान है, इजिप्ट के अलावा ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। सऊदी अरेबिया के द्वारा ज्वाइन तो किया गया है बट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जो इथोपिया नाम का जो कंट्री है वो भी यहाँ पे इसका पार्ट है ब्रिक्स का प्रेजेंट समय के अंदर में। अर्जेंटीना और आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के लिए द्वारा इसको अभी ऑफिशियली नहीं ज्वाइन किया गया है, उसको मेंबरशिप के लिए इनवाइट तो किया गया, पर इसके अलावा अर्जेंटीना को मेंबरशिप दिया गया था बट अर्जेंटीना के द्वारा जब वहाँ पे पावर जब चेंज होता है, न्यू पर्सन पावर के अंदर में आते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे देखिए कि अर्जेंटीना के द्वारा ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उससे डिनाई कर दिया गया, उसे मना कर दिया गया कि हमारे द्वारा इसको नहीं ज्वाइन किया जाएगा। हमारे पीएम सर के द्वारा नेशनल लर्निंग वीक है, नेशनल जो लर्निंग वीक है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली आप देखिए कि मिशन कर्मयोगी जो सप्ताह है उसको लॉन्च किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी क्या है, 2020 कोविड-19 के समय
हमारा जो सिविल सर्विस है, जो हमारा सिविल सर्विस है, जो हमारा सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस को आप देखिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल सर्विस का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको कैसे किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में मिशन कर्मयोगी है, उसको लॉन्च किया गया था। कर्मयोगी मिशन है बेसिकली। आप देखिए कि अगर आप सिविल सर्वेंट्स हो तो आपको बेसिकली बैक डोर से आपको जो वर्क्स है उनको कैरी करना होता है। जो मेन वर्क्स है, जो एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का ही हुआ करता है। पॉलिटिकल पर्सन्स डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर किया करते हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि वो फेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट मेन जो वर्क है वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। बट काफ़ी कुछ समय से आपको देखने के लिए मिलता है सिविल सर्वेंट्स वर्किंग के अलावा अपना लाइमलाइट के अंदर में, जो आपको काफ़ी बार आपको कुछ कुछ न्यू सिविल सर्वेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो पीआर एजेंसी उनके द्वारा हायर की जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मेनली जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनको कि सिविल सर्वेंट्स का गुड गवर्नेंस के अवार्ड्स इस तरीके से दिए भी जाते हैं जिनके वर्क के रिगार्डिंग में, वो आपको काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। और काफ़ी आप देखिए कि डाइवर्स एरियाज़ के अंदर उनका वर्क हुआ करता है। कोविड-19 का जब हम डिस्कस करते हैं, जब ये मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था, तो आप देखिए उसी समय काफ़ी सारे ऐसे भी सिविल सर्वेंट्स थे जिनके द्वारा ऑलरेडी जो ऑक्सीजन का जो डिमांड का जो प्लांट है उसको यहाँ पे लगाया गया था, जिसके अंदर एक महाराष्ट्र कैडर के जो ऑफिसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थे। आसाम के जब हम डिस्कस करते हैं, कीर्ति जल्ली मैम हैं जो न्यूज़ के अंदर हुआ करती हैं, जिनके द्वारा वर्क के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं, लाइमलाइट की वजह से नहीं, या अपना यूपीएससी का जो रैंक है उसके बाद में लाइमलाइट जो पीआर के थ्रू अटेंड किया जाए, वो सब नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में है, सिविल सर्विस का कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी के बारे में, तो आप देखिए कि मिशन कर्मयोगी के थ्रू आई गोट प्लेटफॉर्म है, उसको भी लॉन्च किया गया था। आई गोट प्लेटफॉर्म है तो उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन है। अब उसी को एक एज ए सप्ताह के रूप से सिविल सर्वेंट का कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंश्योर किया जाए, जिसको कि पीएम सर के द्वारा नेशनल लर्निंग वीक के रूप से यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसराइल और यूएन के बारे में है, अब आप देखिए कि इसराइल वर्सेज यूएन आपको देखने के लिए मिलता है, इसराइल वर्सेज यूएन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसराइल के पर्सपेक्टिव से यही डिस्कस किया गया कि जो 7 अक्टूबर का जो अटैक है, 7 अक्टूबर 2023 के समय जो अटैक देखने के लिए मिला था, आप देखिए उसके बाद में इसराइल के द्वारा कंटिन्यूस काउंटर अटैक किया गया है, और उसकी वजह से यूएन के भी जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे चैलेंज किया गया, यूएन के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे चैलेंज किया गया इसराइल के द्वारा। तो आप देखिए कि इसराइल के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूएन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है उस अटैक के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जिसको कि 1948 के समय क्रिएट किया गया था, जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जो माइग्रेशन हुआ उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, फूड है, शेल्टर है, ये सब प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का जो आपको वर्क देखने के लिए मिलता है इसराइल के उस एरियाज़ के अंदर में, नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इसराइल के ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो जॉर्डन सिचुएटेड है, आप देखिए कि जॉर्डन के वहाँ पे जो अम्मान नाम की जगह है, अम्मान है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी बैन किया गया, यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके वहाँ पे अटैक किया गया है। तो इजराइल वर्सेज जो जो यूएन का जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है उसी के बारे में डिस्कशन यही है कि कुछ कंट्रीज के द्वारा एंटी इजराइल, आप देखिए कि जो रेजोल्यूशन है उनको प्रपोज किया गया कि यूएन को इस तरीके से अगर टारगेट किया जाएगा, तो यूएन एज ए इंस्टीट्यूशन जिसको कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्रिएट किया गया था, वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 की जिससे कि पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो। पर आप देखिए कि जब उसको एक कंट्री के द्वारा इस तरीके से चैलेंज किया जाता है, इस कंट्री के द्वारा उसकी जो फोर्सेज हैं, जो उसके विंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो यूएन का जो यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है या उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी ये क्वेश्चन वो रेज करता है कि यूएन को इस तरीके से अदर कंट्रीज के द्वारा भी चार्ज किया जाएगा। और अगर हमें जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको इंश्योर करना है तो उसके रिगार्डिंग में यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमालयाज के बारे में है, आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडियन हिमालया जो कि आपको एक्टिव स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट के द्वारा कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट है उसको पुश किया जाता है। आप देखिए कि जो कंटिन्यूस पुश का जो प्रोसेस है, ये आपकी ज्योग्राफी के अंदर आप रीड करोगे, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर आप इसको रीड करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि उत्तराखंड के अंदर जो चार धाम प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड के अंदर चार धाम प्रोजेक्ट है,
आप देखिए कि जो चार धाम प्रोजेक्ट है उसके थ्रू, वहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट के थ्रू ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी रोड है उसको सेटअप करना है, रिलीजियस टूरिज्म को कैरी आउट किया जाए, जो फोर फेमस प्लेसेस हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उनको यहाँ पे कनेक्ट करना है चार धाम प्रोजेक्ट के थ्रू। बट यहाँ पे कंसर्न्स यही रेज किया गया कि अनसाइंटिफिक यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकता है, डोमिनो इफेक्ट इसका देखने के लिए मिल सकता है, जिसका लैंडस्लाइड एंड काफ़ी कुछ एरियाज के बारे में बताया गया समय समय पर उत्तराखंड के उस एरियाज के अंदर में। आप देखिए कि आपको जो कुछ ना कुछ क्राइसिस है वो देखने के लिए मिलता है समय समय की रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंटिफिक असेसमेंट का जरूरी है, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कैरी आउट करना है तो साइंटिफिक असेसमेंट का जरूरी है। जैसे कि आप देखिए कि लास्ट ईयर है जोशीमठ के, वहाँ पे जो इंसिडेंट सामने आया था लैंड का सब्सिडेंस का, जो इंसिडेंट वहाँ पे सामने आया था, एनटीपीसी का जो प्लांट है जिसके रिगार्डिंग में लोकल पर्सनस के द्वारा कंसर्न्स को रेज किया जाता है, हमारे एक्टिव जो हिमालयाज हैं जो कम्प्लीटली स्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है, वहाँ पे आप देखिए कि ड्रिलिंग अगर किया जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। इकोलॉजी के रिगार्डिंग में जो सेंसिटिविटी है उसको भी हमें इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो पासिंग है आपको एक इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव एरिया है उससे उसका पासिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसका, हमारा हिमालयन एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक होमवर्क ये है कि आप देखिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हम रीड करते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं, कितना लेंदी प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, कितना लेंदी जो प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो होना चाहिए जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कैरी आउट करना है। क्योंकि आप देखिए कि लास्ट ईयर उत्तराखंड के वहाँ पे सिल्कियारा कनाल का जो इश्यू है वो सामने आया था, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड है वहाँ पे कुमायूं सॉरी गढ़वाल का जो एरिया है, तो स्टूडेंट जो उत्तरकाशी के अंदर में जो सिल्कियारा टनल का जो इश्यू सामने आया था जिसके अंदर कुछ लेबरर्स हैं जो ट्रैप हो गए थे, तो उस समय इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी न्यूज़ के अंदर में था कि इतने किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, इतना किलोमीटर का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट को समय समय पर जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिए 20 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे अगर या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 5 किलोमीटर के अंदर कैरी करना है तो आप देखिए कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा 4-4 किलोमीटर के डिफरेंट डिफरेंट इसको प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ना किया जाए। तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये आपको यहाँ पर जानकारी है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। नहीं पता है तो इन्वायरमेंट का बुक आप ओपन कीजिए, गूगल कीजिए, रीड कीजिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेदर फोरकास्टिंग के बारे में है, आप देखिए कि समय के साथ में जो अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं वेदर के अंदर में, अनप्रेसिडेंट इवेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं समय समय पे, कभी आपको लैंडस्लाइड है, कभी आपको ड्रोट है, कभी हीट वेव है, कभी एक्सेसिव रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि इस तरीके के जो अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स हैं उसको यहाँ पर अगर आपको रेगुलेट करना है, उसको आपको यहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर में एंश्योर करना है, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि आपका वेदर फोरकास्टिंग है वो एक्यूरेट होना चाहिए। हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि जो हमारा आईएमडी है, आईएमडी का वैसे इस्टेब्लिशमेंट आपको कॉलोनियल एरा के समय ही देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1875 के समय में आईएमडी है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अभी इसके जो बेसिकली 150 ईयर्स हैं वो भी कम्प्लीट हुए हैं जनवरी के समय में आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। स्टूडेंट्स आईएमडी के पास में कुछ यहाँ पे रीजनल उनके ब्रांचेज भी हैं, जैसे कि मीडियम एंड वेदर फोरकास्टिंग का जो आपको नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग देखने के लिए मिलता है। आईआईटीएम पुणे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मैनेजमेंट है वो पुणे के अंदर में आप देखिए सिचुएटेड है। तो कुछ इसके रीजनल विंग्स भी हैं जिनके द्वारा भी वेदर का फोरकास्टिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। बट आप देखिए कि आईएमडी का यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग 99 का जो उड़ीसा का जो साइक्लोनिक कंडीशन है, उड़ीसा का जो साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुआ था जब हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग है वो सही नहीं हुआ करता था, इस वजह से जो वार्निंग्स है उनको नहीं इश्यू किया गया। बट आप देखिए कि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में जब भी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होता है तो कोस्टल कम्युनिटीज़ को ऑलरेडी आईएमडी के द्वारा ऑलरेडी समय के साथ में जो इंडिकेट किया जाता है कि उस समय इस एरिया के अंदर में जो साइक्लोन का जो फॉल है वो देखने के लिए मिलेगा, कम्युनिटी को वहाँ से रेस्क्यू करना है, हमारा जो डिजास्टर रिलीफ का जो टीम्स है जो कोलोब्रेशन के थ्रू वर्क किया करते हैं, फोरकास्टिंग प्लस में एनडीआरएफ का टीम प्लस में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिटीज़ को रेस्क्यू किया जाता है किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के समय में। तो
जितना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो बेहतर बेटर फोरकास्टिंग है वो एक डिमांड है कि जो फोरकास्टिंग है वो बेटर होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे मिशन मौसम है वो देखने के लिए मिलेगा। मिशन मौसम जिसको लॉन्च किया गया, प्रॉपर वे में जो रडार्स हैं उनको ऑल ओवर इंडिया सेटअप किया जाए, जो डॉपलर इफेक्ट के रिगार्डिंग में जो वेदर रडार्स हैं, डॉपलर का जो इफेक्ट का जो वेदर उसी के ऊपर वर्क किया करते हैं, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर ही, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर वे में इंश्योर किया जाए और डाटा का कलेक्शन हो जिसको कि रिसर्चर्स हैं वो भी एक्सेस कर सके, उसका ओपन वे में उसको कैरी आउट करना चाहिए। तो ये फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग में डिस्कशन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेनामी लॉ के बारे में है, आप देखिए कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ को 2022 के समय एक लॉ लाया गया था, अमेंडमेंट लॉ, जिसको कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था। अभी उस अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो डिसीजन है उसको रिकॉल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टूडेंट्स रोका गया था आर्टिकल 20 के थ्रू। आर्टिकल 20 क्या बताता है कि आर्टिकल 20 बताता है कि हमें रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर में जो लॉ है उनको नहीं कैरी आउट करना है। अगर आपको आर्टिकल 20 के बारे में नहीं पता है, आर्टिकल 20 के अंदर जो 3 प्रोविजंस के बारे में नहीं पता है, तो उसको ज़रूर से रीड करना स्टूडेंट्स। आप देखिए कि ये सब आपको आना चाहिए, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी ही चाहिए, जब भी आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का बेटर वे में यूटिलाइज कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 20 के बारे में जब हम रीड करते हैं तो फंडामेंटल राइट का ये पार्ट है, किसी भी जो कन्विक्टेड पर्सन है, किसी भी जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कुछ राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि यहाँ पे आपको जो रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर कोई कानून है उसको नहीं इम्प्लीमेंट करना है, और स्पेशली क्रिमिनल एरियाज के अंदर तो उसको कैरी आउट ही नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको डबल जियो पार्टी नहीं होना चाहिए, कि आपको जो क्राइम कमिट किया गया उसी क्राइम का जो डबल सज़ा है, नो डबल जियो पार्टी, डबल सज़ा है वो नहीं होना चाहिए, नो डबल जियो पार्टी है वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो डबल जियो पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट, सपोज कीजिए आप आपके ऊपर करप्शन के जो चार्जेज हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ इनिशियल पेज के अंदर में, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को आप डबल जियो पार्टी के अंदर नहीं काउंट करोगे। सिविल केसेस को जैसे कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है उसका ये एक्सेप्शन है। और स्टूडेंट्स नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसका भी यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, कि कोई भी जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, कि कोर्ट के अंदर में आप अपने ही केस के अगेंस्ट में, अपने ही अगेंस्ट में जो विटनेस के रूप से यहाँ पे प्रेजेंट है वो नहीं हो सकते हो। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखिए कि समय समय पे आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की जो वेज है उसके अंदर में जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जैसे किसी पर्सन के द्वारा रजिस्ट किया गया कि उनके द्वारा ब्लड सैंपल्स है वो नहीं दिए जाएंगे, कोई भी सैंपल्स नहीं दिए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, तो ये एक्सेप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो एक्सेप्शन भी है, काफ़ी बार आप देखिए कि मटेरियल एविडेंस के रिगार्डिंग में या जो मेडिकल वे के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी आपको ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। बेनामी प्रॉपर्टी वही है जिसके ओनर का नहीं पता, तो उसके रिगार्डिंग में लॉ लाया गया था जिसको अब रिकॉल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट को। आप देखिए कि हमास के जो लीडर हैं जिनका डेथ हुआ, तो उसी के बारे में मेंशन है, पीस के एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में ज़रूरी था ये, यूएसए के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो बेसिकली 3-4 न्यूज़ उसी के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वो देखने के लिए मिला है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और आप देखिए कि नेक्स्ट फ्रेंच के वहाँ पे है, फ्रेंच के वहाँ पे बोट के रिगार्डिंग में कुछ जो चिल्ड्रन है उसका डेथ हुआ है उसको मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स फ्रेंच के वहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इंग्लिश चैनल आपने काफ़ी बार सुना होगा, आपने बचपन का जो स्कूल का जो जीके का बुक हुआ करता था, जनरल नॉलेज का बुक हर एक स्कूल के अंदर हुआ करता था, तो आप देखिए आपने काफ़ी बार नाम रीड किए होंगे, फर्स्ट इंडियन कौन है जिसके द्वारा इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया गया था आरती शाह नाम से, वो पर्सन है आरती शाह उनका नेम है जिनके द्वारा इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया था, जो आप ने स्कूल डेज के अंदर में रीड किया होगा एज ए फैक्चुअल जो जीके हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।